जो कहा सो कर दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण का किया शुभारंभ। 31,277 पदों पर पहले चरण में हो चुकी है तैनाती। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों का बहुप्रतीक्षित चयन हुआ पूरा। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुचिता पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरी देने का जो संकल्प लिया है, आज उस कड़ी में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इस 69,000 शिक्षक चयन की प्रक्रिया को जनवरी 2020 में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों और कुत्सित राजनीति से प्रेरित होकर चंदा वसूली कर जैसे तैसे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इसे उलझाए रखा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की रीति और नीति को ही सही माना। अंततः आज यह महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मिशन रोजगार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, यह आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36,590 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 5 चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, जबकि जिले में आयोजित कार्यक्रम में सरकार के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इनकी दी हुई शिक्षा जीवन भर साथ रहती है, काम आती है। नौ चयनित शिक्षकों को यह जिम्मेदारी समझनी होगी। दुनिया में जहाँ भी जो कुछ भी सुंदर है, उत्तम है, उससे अपने स्कूल के बच्चों तक पहुँचाएं, अब यही आपका धर्म है। सीएम योगी ने कहा कि अभी जबकि कोविड काल में स्कूल बंद है, यह शिक्षक स्कूलों की ओर ज़रूर जाएं, वहाँ अभिभावकों से मिलें, बच्चों की मंडली से भेंट करें, उन्हें कुछ ना कुछ नया अभिनव सिखाते रहें और जागरूक करें। सीएम ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को यह समझना होगा कि एक शिक्षक आजीवन शिक्षक ही होता है, उसकी सेवाओं को घंटे में सीमित नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने शिक्षकों से पाठ्यक्रम के सरलीकरण, पाठ्य विधि को रोचक बनाने, नवाचारों को प्रोत्साहित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक एक प्रति उपलब्ध कराई जाए, ताकि यह लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शैक्षिक विजन्स को आत्मसात कर सकें। सीएम ने शिक्षकों को सतत अपडेट रहने, प्रैक्टिकल सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को 31,227 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे, जबकि विगत 23 अक्टूबर 2020 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 3,317 नौ चयनित सहायक अध्यापकों को पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को अपनाते हुए विभिन्न राजकीय सेवाओं में 4,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा कार्यालयों की स्थिति सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद जब स्कूल खुले, तब तक इन कार्यालयों का कायाकल्प हो, स्वच्छता रहे, ऊर्जावान माहौल रहे, सेवानिवृत्त शिक्षकों से मर्यादित व्यवहार हो, और अगर कहीं से भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने पिछले 3.5 वर्ष में प्रदेश के बेसिक शिक्षा जगत में हुए बदलाव को नज़ीर बताया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प, दीक्षा पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल जैसे अभिनव प्रयास हुए हैं। 1.80 करोड़ बच्चे आज यूपी के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, यह कोई छोटी संख्या नहीं है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सरकार नौजवानों को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए मेरिट के आधार पर की जा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 5 नवनियुक्त शिक्षकों सीतापुर की पूजा शुक्ला, बाराबंकी के वीरेंद्र कुमार मौर्य तथा जफर बेग,
रायबरेली की सरिता सिंह, हरदोई की नेहा देवी एवं लखीमपुर खीरी के श्री नवीन राणा को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 जनपदों के नवनियुक्त शिक्षकों, बदायूं की भावना सिंह, गोंडा की निमिता सिंह, रामपुर की क्षमा कपूर, हरदोई की ललिता त्रिपाठी एवं महोबा की राखी आर्य से बातचीत भी की। सीएम योगी ने सभी से हल्के फुल्के अंदाज में पूछा कि नौकरी के बाद आप ट्रांसफर के लिए कोशिश तो नहीं करेंगे। सभी शिक्षकों ने आवंटित जनपद में सेवा देने में ही खुशी जताई। मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों से आह्वान किया है कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की कक्षा संगत दक्षताओं को प्राप्त करने एवं आदर्श स्कूल स्थापित करने में पूर्ण योगदान प्रदान करें। नवनियुक्त शिक्षकों से यह भी अपेक्षा की गई है कि अपने विद्यालयों में सामाजिक सुधार कार्य, बच्चों में राष्ट्रीयता, नैतिक मूल्य व सदाचार की भावना के लिए दीक्षा पोर्टल का विकास तथा शिक्षा के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बेसिक शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि कोविड के इस कालखंड में जबकि दुनिया में लोग नौकरियां खो रहे हैं, उत्तर प्रदेश लाखों युवाओं को नौकरियां दे रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में 69,000 नए शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित नियुक्ति प्रक्रिया अगर आज सुचिता और पारदर्शिता के साथ पूरी हो रही है तो इसका एकमात्र कारण मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत रुचि ही है। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई भी दी। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि बीते 3.5 वर्षों में प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का समग्र कायाकल्प हुआ है। पाठ्यक्रम हो, स्कूल में संसाधनों की उपलब्धता हो, पठन पाठन का तौर तरीका हो या फिर मूल्यांकन और प्रशिक्षण, सभी क्षेत्रों में समय की मांग के अनुरूप नवाचारों के माध्यम से ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। परिषदीय विद्यालयों के बच्चे डिजिटल लर्निंग से भी लाभान्वित हो रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल और दीक्षा पोर्टल जैसे अभिनव प्रयास शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। नतीजन, स्कूलों में नामांकन बढ़ा, गुणवत्ता बढ़ी और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ शासन स्तर के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। आज उत्तर प्रदेश सरकार की 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दूसरे चरण की भर्ती, मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन, जिनके संकल्प और जिनकी प्रेरणा तथा जिनके उपयोगी सुझावों के कारण हम ये सब कर पा रहे हैं, आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के सभी जनपदों में उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्रीगण का, माननीय सांसदगण का, माननीय विधायकगण का, सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सब उत्तर प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक महाअभियान के साक्षी बन रहे। बहुत धन्यवाद। यदि शुरुआती कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं, तो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वलित उठेगा और राज्य प्रगति की राह की ओर चलेगा। इसी जज्बे के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सितम्बर 2019 में मिशन प्रेरणा की शुरुआत की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए ही एक प्रेरणा लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जिसे अब सभी विद्यालयों में जज्बा किया जा चुका है। इसी प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार भाषा और गणित से संबंधित दक्षताओं को हमें प्रदेश के बच्चों को प्राप्त कराना है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ अवधारणाओं और दक्षताओं को समझना होगा, जिनका उल्लेख कक्षा अनुसार तैयार की गई प्रेरणा सूची में किया गया है। छात्र जब प्रेरणा सूची में दी गई दक्षता हासिल करेगा, वो तिथि प्रेरणा तालिका में अंकित की जाएगी। ये प्रेरणा सूची और तालिका भी प्रेरणा लक्ष्य के साथ ही प्रदेश के सभी विद्यालयों की सभी कक्षाओं में जज्बा कराई गई है। शिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए और शिक्षण तकनीक को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 3 हस्तपुस्तिकाएं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह भी शिक्षकों को प्रदान की गई है। साथ ही शिक्षण तकनीक पर आधारित शैक्षिक वीडियो भी विकसित किए गए हैं, जिन्हें देखकर शिक्षक आसानी से सभी शिक्षण तकनीकों को समझ पा रहे हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा संचालन में शिक्षक की सहायता करती है।
इन संदर्शिकाओं को कक्षा 1 से 3 के भाषा और गणित विषयों के लिए शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमें सामग्री दी गई है उसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। इन संदर्शिकाओं में कक्षा अनुसार दैनिक पाठ योजना दी गई है जिससे शिक्षक को किसी भी अवधारणा को पढ़ाने का समय, उद्देश्य, जरूरी सामग्री और कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। इसके अतिरिक्त कक्षा के वातावरण को बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में भाषा और गणित से संबंधित 100 पोस्टर्स और चार्ट्स उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हें विद्यालय की कक्षाओं में जज्बा करने के साथ ही सभी बच्चों को रोचक कहानियों और कविताओं से सजी सहज पुस्तिका भी दी गई है और बच्चों के गणितीय विकास को भी ध्यान में रखते हुए हर विद्यालय NCERT की गणित किट उपलब्ध कराई जा रही है। इस किट में दी गई वस्तुओं से बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा गिनती, मापन, आकार इत्यादि सीख रहे हैं। बच्चों में पुस्तकों के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में 500 से 1000 किताबों के साथ रीडिंग और लाइब्रेरी कॉर्नर भी बनाया गया है। इसके अलावा शिक्षक भी अपनी दैनिक पाठ्य योजना से संबंधित नोट्स बना सके इसके लिए सभी शिक्षकों को एक एक शिक्षक गाड़ी दी गई है। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, हमारा बच्चा भी पास हो गया है, हमें तो रिपोर्ट कार्ड भी मिल गया है। इन सभी शैक्षिक सुधारों को प्रदेश के विद्यालयों में लागू करने में शिक्षकों का साथ दिया है हमारे मेंटर्स SRGs और ARPs ने। इन सभी SRGs और ARPs को सपोर्टिव सुपरविजन हस्त पुस्तिका संवर्धन पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया है। ये रिसोर्स पर्सन विद्यालय में जाकर शिक्षकों का सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं। इन SRGs और ARPs द्वारा प्रतिमाह 1,00,000 विजिट की जा रही है। इसके अलावा शिक्षकों की सहायता के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत पर 5 शिक्षक संकुल का चयन कर ARPs द्वारा उनका प्रशिक्षण भी कराया गया है। कक्षा के बाहर भी शिक्षकों के हित में कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं जैसे कि मानव संपदा पोर्टल द्वारा अब शिक्षा स्थापना के सभी कार्य ऑनलाइन हो गए हैं और दीक्षा पोर्टल द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण भी ऑनलाइन ही कराकर प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। बच्चों के लिए उपलब्ध सभी पाठ्य पुस्तकों को भी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है जिसे छात्र पुस्तक के पाठ से संबंधित वीडियो को पुस्तक पर लगे QR कोड स्कैन कर देख पाएंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 50,000 से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं संतृप्त की गई हैं और शेष को 2022 तक संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है। जब कोविड महामारी से उबरने के बाद विद्यालय खुलेंगे तो 100 दिनों का एक कैंपेन चलाकर प्रत्येक विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसी उद्देश्य के लिए तैयार की गई पुस्तिका द्वारा कक्षा में शिक्षा कार्य भी कराया जाएगा। सभी शिक्षा संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण पालन करें इसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर शीट द्वारा उनका अनुश्रवण प्रत्येक माह के संकेतकों की उपलब्धियों के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं और विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शिता और प्रभावी नीतियों के आलोक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से ही आगे बढ़ते हुए निरंतर सफलतापूर्वक कार्य किए जा रहे हैं। आज प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और उत्कृष्ट वातावरण मिले इसके लिए ही ये मिशन चल रहा है और देश के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश बनकर अन्य राज्यों के सामने उत्कृष्ट उदाहरण बनने की ओर अग्रसर है। कब से आप काम कर रहे हैं? 2006 से। कहाँ घर है? सर मेरा सुल्तानपुर में घर। सुल्तानपुर से। और कहाँ नियुक्ति मिली है? सीतापुर। तो काम करेंगे? हाँ सर अच्छे से करूँगा। ऐसा तो नहीं कि फिर आप? नहीं सर। ठीक है, बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कब आपने विषय किया? 2015। इसका BTC तब किया है? ठीक है, चलिए आज आपको शिक्षक के रूप में आपका चयन हो रहा है, आप कायदे से मेहनत करके अपनी प्रतिभा का लाभ दीजिए बच्चों को। ठीक है, BTC तब किया, BEd करके दवाए हैं। बहुत सुंदर, बधाई आपको। अनुदेशक से आप शिक्षक बन गए। ठीक है,
बधाई। और सुश्री सर, आपने क्या बीएड किया था? कब बीएड किया? सर 2009 में। तब से कहीं काम कर रही थी आप? नहीं सर। अब पढ़ाएंगे ना बच्चों? हाँ सर। रहने वाले कहाँ के हैं? सर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का। और कहाँ कहाँ आपका? रायबरेली में हुआ? रायबरेली। सर अगल बगल ही का जिले हैं, ज्यादा दूर थोड़ा है। स्कूल रोज जाना, ठीक है? ठीक सर। बधाई। आपका घर कहाँ है? जी सर मेरा घर मोदीपुर नई बस्ती मल्लावा हरदोई में पड़ता है। हरदोई में? और कहाँ आपका चयन हुआ है? जी सर जनपद हरदोई में। हरदोई में तो सर। आपका तो वहीं पर रहेगा? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। बताइए आपका सर। हाय जी, कहाँ घर है आपका? सर हमारा चंदन चौकी लखीमपुर खीरी में सर। अच्छा, बहुत सुंदर। आप एसटी से हैं क्या? सर एसटी से हैं। थारू से हैं? यस सर थारू। बहुत सुंदर भाई, आप तो बड़ा कमाल कर रहे हैं। तो आप जो है शिक्षक बन रहे हैं, अब सभी थारू बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे ना? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको। आपको वहीं मिल गया लखीमपुर में ही ना? बहुत सुंदर, बधाई, अभिनंदन आपका भाई, बहुत सुंदर। मौका दिया गया, अभी तक बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया था कई सालों से। देखिए हम लोग तो पहले भी मौका दिए थे, लेकिन बीच में जब एनसीटी ने बीएड को इसके लिए एलिजिबल नहीं माना, उस एक बार नहीं हुआ था, बाकी तो पहले भी और उसके बाद भी ये मौका मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को इस पूरी चयन की प्रक्रिया में कहीं से कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना? जी कहीं से कुछ नहीं। कहीं से कोई ऐसा तो नहीं कि सरदार जी को लेकर कहीं चले गए होंगे सिफारिश कराने के लिए? हाँ कोई बात नहीं भाई, अब तो हो गया। चलो जी, बधाई। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया, इस नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ आज संपन्न हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय सीएसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नौनीत सहगल जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रभारी मंत्रीगण, मान्य सांसदगण, मान्य विधायकगण, जनपद के अंदर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और एक साथ 36,590 नौ चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं, नवनियुक्त शिक्षक गण हैं, मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं बेसिक शिक्षा परिषद को, जिन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी शुचिता पूरी पारदर्शिता के साथ आज संपन्न किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी पूर्वक कार्य करना अपने आप में एक चुनौती हो जाती है, पक पक पर बाधाएं आती हैं। जनवरी 2019 में प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता था और फिर न्यायालय की प्रक्रिया के तहत वह मामला लटकते लटकते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने और सुप्रीम कोर्ट से वापस अंततः विजय प्राप्त करने के बाद आज हम सब इस प्रक्रिया को आज यहां पे संपन्न करने जा रहे हैं। हमारे लिए ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारे पास 158,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं,
और 158,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के इन विद्यालयों में बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति थी जहां पे या तो शिक्षक नहीं थे विद्यालयों में, या एकल शिक्षक के कारण एक विद्यालय में अगर 5 क्लासेस चल रही हैं तो उम्मीद करना कि एक शिक्षक 5 क्लासेस एक साथ ले लें तो उन बच्चों के साथ अन्याय है। जब बच्चे पर, एक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तब शिक्षक न हो या वहां पे पठन पाठन का माहौल न हो, शासन की सुविधाएं उपलब्ध न हो, और फिर हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाएं और फिर दुनिया के विकसित देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करने की बात सोचें, तो ये अपने आप में दिवा स्वप्न था। इसलिए प्रदेश सरकार ने एक एक करके हरेक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने का प्रयास किया और बेसिक शिक्षा परिषद हमारे सुधार का एक प्रमुख केंद्र बिंदु इसलिए भी बना क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में अनेक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के बीच ही जो कार्यक्रम चले हैं वे बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। पिछले 3.5 वर्षों में, यानी पिछले 8-9 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, लेकिन उससे पहले जो 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ, इन 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने देखा कि प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में लगभग 50,00,000 से अधिक बालक बालिकाएं अतिरिक्त स्कूलों में प्रवेश ली हैं। इतनी बड़ी संख्या, 50,00,000 राज्यों के, बहुत सारे राज्यों के लिए एक बड़ी संख्या है, लेकिन इतने बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, बहुत सारी परिस्थितियां थी। एक, उनके साथ कोई संवाद बनाने वाला नहीं था, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं था, उनको कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं था, उनको कोई समझाने वाला नहीं था, या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास कपड़े नहीं होते थे। सरकार ने फिर निर्णय लिया कि हम 2-2 यूनिफॉर्म, फिर सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि अक्सर हम लोग जाते थे, देखते थे गांव में बहुत सारे बच्चे जो नंगे पैर स्कूल जाते थे, तो उन बच्चों को भी अच्छा यूनिफॉर्म मिल सके, उनके लिए जूते मोजे उपलब्ध हो सके, उनको देने की व्यवस्था की। जाड़ों के दौरान सरकार ने जब देखा कि भीषण शीत लहरी में बच्चे ठिठुर रहे हैं तो उन्हें स्वेटर देने की कार्रवाई को भी सरकार ने आगे बढ़ाया। देखिए, महत्वपूर्ण शासन की मंशा, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंच सके, सरकार इस मंशा के साथ कार्य कर रही है। एक बड़ी संख्या है, 1,80,00,000 बच्चे, बहुत सारे राज्यों की तो इतनी आबादी नहीं है जितना हमारे पास बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे हैं। 1,80,00,000 बच्चों तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जूते मोजे की व्यवस्था, स्वेटर की व्यवस्था, बैग और बुक्स की उपलब्धता, ये सभी कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उन बच्चों तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्य करती है। एक बड़ा आंकड़ा है, एक बड़ा नंबर है। हो सकता है कि इन सभी में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सुविधा इन बच्चों को मिलनी चाहिए। अब इसी में बहुत सारे लोग जिन्हें नंबर मालूम नहीं, आंकड़े मालूम नहीं, सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा मिशन प्रेरणा ऐप के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में क्या क्या नए सुधार किए गए इसके बारे में जानकारी नहीं, वे छोटी छोटी बातों को इश्यू बना करके भरमाने का प्रयास करते हैं। और वही लोग हैं जिन लोगों ने पिछले 2.5 वर्ष, यानी 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं, 2 वर्ष से इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया, छोटी छोटी बातों को लेकर के अटकाते थे, अन्यथा ये जितने हमारे शिक्षक, आज 69,000 शिक्षक, जिनमें 36,590 को आज हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इन्हें हम लोग पहले भी 1.5 साल पहले ये नियुक्ति पत्र बांट चुके होते,
इनकी 1.5 वर्ष की सेवाएं हो चुकी होती हैं और बच्चों को भी इनके अनुभव का लाभ मिला होता। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि सुधार हो, जो नहीं चाहते हैं कि इसमें व्यापक परिवर्तन हो, बेसिक शिक्षा भारत की शिक्षा का आधार बने, वे लोग ही छोटी छोटी चीजों को लेकर नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास करते हैं। कोई जाता है मिड डे मील में जाकर के, वहां पे जाकर के और वहां पे नमक और रोटी बांट करके उसकी वीडियोग्राफी करा करके फिर उसके माध्यम से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास कर रहा है। कोई जाकर के स्वेटर लेकर के फिर उसके एक एक धागे को देखता है कि ऊन है या क्या है, यानी इतनी फुर्सत उनके पास है। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम अपने समय का सदुपयोग लोग कर पाते हैं और उनके समय के लिए कुछ चीजें शासन ने उनको उपलब्ध कराई हैं। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, समाज के मानिंदों ने मिलकर के व्यापक पैमाने पर हजारों विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन किया है। बहुत सारे ऐसे आदर्श शिक्षक निकले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में, जिन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, किसी ने विद्यालय के ऑपरेशन कायाकल्प में अपने विद्यालय को अपने विकास खंड के अंदर या जनपद के अंदर आदर्श विद्यालय बनाया है, किसी ने अपनी क्लास को आदर्श क्लास बनाई है, किसी ने किसी एक फील्ड में कुछ बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। और एक बड़ा अभियान जो चला है, उस अभियान के क्रम में सचमुच बहुत परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला। हम लोग चूंकि एक एक परिवर्तन एक अंतराल के बाद होता है, हम उसको जोड़ के नहीं देखते, लेकिन अगर आप इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए देखेंगे तो पिछले 3.5-4 वर्ष के दौरान व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया है। और इस व्यापक परिवर्तन के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पे जो कार्य हुए हैं, जिसमें जो चयन हुए हैं, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो प्रदेश के अंदर लगभग आज के इसमें जो सफलतम अभ्यर्थी है उनमें से 39,792 पुरुष और 28,075 महिलाओं का चयन हुआ है। ये काफी अच्छी संख्या है। आप सोचिए कि 28,075 महिलाओं का चयन बेसिक शिक्षा परिषद में हुआ है और इसमें 6,675 शिक्षा मित्रों का भी चयन हुआ है। आप सोचिए कि जो लोग चंदा वसूली करके न्यायालय में अनावश्यक रूप से इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करते थे, उन लोगों ने इन 6,675 शिक्षा मित्रों के साथ भी कितना बड़ा अन्याय किया कि इनको पारदर्शी तरीके के साथ चयन की प्रक्रिया से वंचित होने दिया। लेकिन सरकार लड़ती रही, परिषद लड़ता रहा और अंततः विजय प्राप्त हुई। और आज बड़े पैमाने पर हम लोग आप सभी लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले नौ नियुक्त जो हमारे शिक्षक हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद में आपका अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पूरी क्षमता और पूरी प्रतिभा का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के ऑपरेशन कायाकल्प के साथ ही आमूलचूल परिवर्तन के वाहक बने, ये हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। दूसरा, मेरी आप सबसे अपील होगी, आप में से बहुत सारे शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के उन विद्यालयों में जाएंगे जहां पे हो सकता है शिक्षकों की कमी रही हो और वहां पर एक नया माहौल आपको देना है। हमें नए परिपेक्ष में खड़ा होना होगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने COVID-19 के इस कालखंड में देश को भी बचाया, COVID-19 के संक्रमण से बचाने के साथ साथ हर एक तबके तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का और आर्थिक पैकेज का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया, रोजगार के लिए कार्य भी किया।
आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का आह्वान भी किया। ये सभी कार्यक्रम इस दौरान हुए और इस दौरान लगभग 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश के अंदर लागू हुई। मेरी अपील होगी जितने हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारीगण होंगे इन सबसे कि जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक एक प्रति उपलब्ध करवाने का कार्य जरूर करवा लें। ये लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए प्रारूप का अध्ययन जरूर कर लें, उसके अनुरूप बेसिक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें कैसे शिक्षा के केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है बल्कि उसको व्यावहारिक धरातल पर हम एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ कैसे जोड़ सकते हैं इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब शिक्षा को हम एक सीमित दायरे तक कैद करके नहीं रख सकते। देखिए ज्ञान का दायरा बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हम एक शिक्षक को एक बार नियुक्ति पत्र दे देते हैं और उसके बाद फिर वो आजीवन शिक्षक हो जाता है। कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज हमारे चलते रहने चाहिए, वर्ष में वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नई तकनीक के साथ ज्ञान विज्ञान के नए प्रयोग और नए अनुसंधान के साथ हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखना होगा। अगर आप उसके योग्य नहीं हो पाएंगे तो फिर एक सफल शिक्षक होने में हमेशा आपके जीवन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिखाई देगा। एक शिक्षक को कभी भी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा जो ज्ञान का विस्तृत दायरा है इसके बारे में जानकारी रखना, प्रतिदिन होने वाली तकनीक के परिवर्तन और ज्ञान विज्ञान के नए अनुसंधान और नए प्रयोगों के बारे में जानकारी रखना, ये अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं लेकिन हम उन चीजों को देखें। तीसरा, हम कोई भी पाठ्यक्रम हो उस पाठ्यक्रम के सरलीकरण के बारे में सोचें, कैसे हम उसका सरलीकरण कर सकें जो बहुत अच्छे ढंग से बच्चों की समझ में आ सके और स्कूल आने में उसको कोई हिचक न हो। अक्सर होता क्या, जब आप किसी बच्चे को स्कूल में डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, वो स्कूल नहीं आना चाहता। मैं अक्सर देखता हूं, गांव में जाता हूं, देखता हूं बहुत सारे बच्चे गांव में खेलते हैं, भागते हैं, मां बाप भी पढ़े लिखे न होने के कारण जब मैं उन बच्चों से पूछता हूं स्कूल क्यों नहीं गए तो बोलते हैं साहब मास्टर साहब मारते हैं। अब देखिए शिक्षक की पिटाई के भय से वो बच्चा स्कूल नहीं जाता। मैं मां बाप से बोलता हूं कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजा तो कहते हैं हमारा एक ही लड़का है, स्कूल जाने में डरता है, हम लोग भी भय के मारे नहीं भेजते। देखिए बच्चे के मन में एक उत्साह होना चाहिए स्कूल के नाम से, एक उमंग होनी चाहिए स्कूल के नाम पे। नई खेल खेल में हम उसको नई चीजें कैसे सिखा सकते हैं, कहानियों के माध्यम से एक नया उत्साह उसके मन में कैसे भर सकते हैं, छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से उसको हम नए प्रयोग के माध्यम से पाठ्यक्रम के बारे में उसको कैसे उनके मन में रुचि भर सकते हैं, हमें इसके बारे में एक नया वो शुरू करना चाहिए। अन्यथा ये स्कूल चलो अभियान फेल हो जाएगा अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, उसके मन में स्कूल का भय होगा। दूसरा, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना होगा। देखिए पिछले 9-10 महीने से स्कूल बंद हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन तभी सार्थक हो सकता है जब उस बच्चे को घर में पढ़ाने वाला और बताने वाला कोई व्यक्ति हो। दूसरा, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं है,
कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम एक ऐसी व्यवस्था कर सकें कि ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था हर परिस्थिति में हर बच्चे तक पहुंचने में सक्षम हो सके। जहां स्वयं मां बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां पे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है उस माहौल में किसी एक व्यवस्था के साथ जुड़ सके। ये स्मार्टफोन, ये टैबलेट या ये लैपटॉप या जो भी अन्य ये चीजें हैं, ये वहां के लिए हैं जहां पर बताने वाला कोई व्यक्ति हो, गाइड करने वाला कोई व्यक्ति हो, उन लोगों को सही जानकारी और सही तथ्य की जानकारी देने वाला हो, अन्यथा ये भटकाव ज्यादा पैदा करेगा, अव्यवस्था का कारण बन सकता है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। एक नई चुनौती के साथ स्कूल कुछ समय के बाद खुलने वाले होंगे और हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा अभी से। और मैं सभी जितने भी हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी गण हैं, मैं उनको चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा, इसकी शुरुआत अपने बेसिक शिक्षा कार्यालय से आप शुरू करिए। पहले बेसिक शिक्षा कार्यालय को इस लायक बनाइए कि कोई भी शिक्षक वहां जाए तो उसको वहां एक माहौल दिखाई दे कि ये बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनका एक मंदिर है, उनका एक पवित्र स्थल है। वहां बैठने की व्यवस्था, साफ सुथरी व्यवस्था, जगह जगह पान खा करके न थूका हुआ हो, जाले न लगे हों, कोई भी वहां पर शिक्षक की छुट्टी के साथ या शिक्षक के रिटायर होने वाले शिक्षक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार या उसके साथ भेदभाव या उसके साथ किसी भी प्रकार के लेन देन की शिकायत की कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश न रहे, इस प्रकार का एक वातावरण अपने कार्यालय में पैदा करिए। और अपने कार्यालय के बाद ये सुनिश्चित करें कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, वे अपने अपने विद्यालयों में जाकर के ज्वाइन करके उनके द्वारा अपने कार्य प्रणाली शुरू हो जाए। विद्यालय को ठीक करें, उसका रंग रोगन करवा लें, बैठने की व्यवस्था ठीक कर लें, टॉयलेट ठीक कर लें, पेयजल की व्यवस्था ठीक कर लें, विद्यालय में इस प्रकार का माहौल बना लें कि जब भी केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, राज्य सरकार जब भी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को खोलने के लिए कहेगी, उस दौरान स्कूल चलो अभियान के तहत फिर हम बच्चों को स्कूल में लाने की व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान हो सके तो गांव-गांव में जाकर के 8-10 बच्चों के साथ बैठने का कार्यक्रम, अभिभावकों के साथ बैठने का कार्यक्रम आप प्रारंभ कर ही सकते हैं। उनकी समस्याओं को गांव में जाकर के सुनने की आदत हमें डालनी चाहिए, यह हमारी ड्यूटी का हिस्सा होना चाहिए। एक शिक्षक भले ही विद्यालय में सरकार का उसका कार्यकाल 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का होगा, लेकिन वह शिक्षक तो 24 घंटे का है और आजीवन उसको शिक्षक रहना है, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति श्रद्धा का अभाव तब होगा जब अभिभावकों के साथ और उन बच्चों के साथ उसका सीधा संवाद हो। हमारा प्रयास हो कि हम गांवों में जाएं, बच्चों की मंडली बैठ करके, उनके साथ बैठ करके कोविड-19 के खतरों के बारे में भी बताएं, सावधानी और सतर्कता के बारे में बताएं, थोड़े बहुत पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा हो जाए, अभिभावकों के साथ भी चर्चा हो जाए, क्या माहौल बनाना है, इस कोविड-19 में संक्रमण से ही बचाना है लेकिन साथ साथ पाठ्यक्रम के बारे में भी बताना है, कैसे आने वाले समय में हम इन सब का सामना कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में भी हमें उन्हें बताना पड़ेगा। एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज 69,000 शिक्षकों की चयन की सफलतम प्रक्रिया आज हमारी पूरी हो रही है। अनेक विघ्न बाधाएं आए लेकिन सबका समाधान करते हुए, और मेरे लिए प्रसन्नता इस बात को लेकर के है कि आज हमारी ये चयन की प्रक्रिया, हमने प्रदेश के अंदर अब तक 3.5 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने के कार्य को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। 3.5 लाख का आंकड़ा ये आज पूरा हो चुका है। अब नई प्रक्रिया इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। कोविड-19 की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हम लोग एक बार इसका अध्ययन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए इसके बाद नई प्रक्रिया अलग अलग विभागों में, बेसिक शिक्षा परिषद के भी और अन्य विभागों में जो भी होंगे, इन सबको आगे बढ़ाने, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य शासन स्तर पर प्रारंभ होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है,
अलग अलग जनपदों में हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण अलग अलग जनपदों में इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैं चाहूंगा वे सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एक बार देखेंगे मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के उन सभी जो सुधारात्मक कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान उठाए हैं इन सभी को हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जब भी बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों को विद्यालय में बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी हम उस दौरान इस कार्यक्रम को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सभी लोगों को मैं हृदय से आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि एक योग्य शिक्षक के रूप में आप सभी अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के आमूलचूल परिवर्तन के इस अभियान में सहभागी बनेंगे। आप सबकी नियुक्ति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई, आपके सभी परिवार के सदस्यों को आपके मित्रों बधाई शुभकामनाएं और बेसिक शिक्षा परिषद को इस एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए कि प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी का जो प्रदेश सरकार का संकल्प था उस शिक्षा परिषद ने पूरी के साथ आगे बढ़ाया है। आप मेरी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद।